महापर्व छठ को आज चौथा दिन है। ये अंतिम दिन भगवान सूरज के उगने का इंतजार है इन व्रतियों को। ये आप देख रहे हैं, मैं ये पूर्व किनारे की ओर बढ़ा हूँ। ये लोगों का जो ये आप देख रहे हैं ये सिलसिला, ये गांव के जो रंग आप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सीधे सीधे, ये देखिए कैसे भगवान सूर्य जो, मैं आपको जो ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। आखिर में व्रतियों का इंतजार पूरा हुआ और भगवान सूर्य अपने निश्चित समय के साथ ये व्रतियों को दर्शन दिए। दर्शन दिहिना आपन ए दीनानाथ, इस तरीके की ये जो गीत है ये खूब सुनाई दे रहे हैं फिजाओं में। और ये आप जो देख रहे हैं ये कैमूर की पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच से ये सूर्य अभी वो निकले हैं बिल्कुल लालिमा वाले अंदाज में। ये गांव के रंग आप देख रहे हैं, ये खेतों के बीच की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं सूर्य को अर्घ देने का ये सिलसिला जारी है। जो व्रती हैं उनके परिवार के लोग, आप देखिए ये कैमूर पहाड़ी के बीच से अभी जो सूर्योदय हुआ है उनको अर्घ देने की जल्दी पंडित जी का इंतजार भी हो रहा है। लोग को घूम रहे हैं, परिक्रमा ले रहे हैं, और ये सूप और दौरा में आप ये जल रहे दीप देख रहे हैं। ये इस पर्व की उम्मीदें हैं, रोशनी है व्रतियों का, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का, सुख शांति समृद्धि का। ये देखिए ये कुछ बच्चे हैं, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की भी जो मन्नतें होती हैं उनके माता पिता उनके साथ ये मिलकर के वो छठ को मुकाम तक पहुंचाते हैं। ये छोटे बच्चे 8-10 साल के ये बच्चे हैं, यही ये पानी घूमे हैं। और ये देखिए ये पंडित का ये अर्घ दिलाने का ये सिलसिला ये जारी है। आप ये देख रहे हैं इसी को घाट बोलते हैं, और ये लोक जीवन के रंग आप देख रहे हैं। छठ पर्व की भी वो जो झलकियां हैं वो अलग अलग हैं। ये मैं आपको ग्रामीण जीवन की तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ जो कि बिल्कुल शहरों से थोड़ी सी अलग है। ये देखिए ये पंडित जी द्वारा ये अर्घ दिलाने का सिलसिला जारी। दर्जनों लोगों ने अपने गाय से दूध निकाल करके ये व्रतियों में बांटा भी है। ये कुछ बच्चे हैं जो इस पल को अपने कैमरे में ये लेना चाह रहे हैं। व्रतियों के घर परिवार के लोग उनको सूप और दौरा पकड़ाते हुए और पंडित जी उनको मंत्रोच्चार के साथ अर्घ दिलवाते हुए, ये सूर्योदय हो चुका है आप ये देख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत नजारा ये आपको दिख रहा होगा। ये ताल के जस्ट बगल में ये पूरब किनारे की तस्वीर है, सीधे पूरब में कैमूर पहाड़ी है। और कैमूर पहाड़ी जैसा कि जो सोन नदी से सटा हुआ है और चुनार तक ये जाती है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अपने गांव की तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं ये खेतों के जस्ट किनारे किनारे 2.5 किलोमीटर की दूरी तक ये कैमूर की पहाड़ी है, और उसी कैमूर की पहाड़ी से ये अभी सूरज निकले हैं। और जिसका इंतजार था इन व्रतियों को वो पूरा हुआ, और अब पंडित द्वारा ये अर्घ दिलाने का ये सिलसिला चालू है। जी जी, फिलहाल मैं आपको यहीं पे रोकते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये छठ पर 4 दिनों तक चलने वाला आज पूरे उत्साह श्रद्धा और लगन के साथ संपन्न हुआ। फिलहाल मैं hindustanlive.com के लिए अपने गांव आलमपुर से रविशंकर सिंह। चुका है, लोग घाटों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती है वो
पटना के घाटों की ओर चारे और जो सड़कें हैं शहर की वो श्रद्धालुओं से पट गई हैं गाजे बाजे के साथ। विजुअल्स आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान के कैमरे पर। लगातार लोगों की भीड़ धीरे 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 घाटों की ओर जैसे जैसे सुबह होने का वक्त हो रहा है जैसे जैसे अर्घ्य का समय करीब आ रहा है वैसे श्रद्धालुओं का जत्था घाट की ओर जा रहा है और जो छठ व्रती हैं वो भी घाट की ओर जा रही है ताकि सही समय पर अर्घ्य दिया जा सके। आप अपने विजुअल्स हमारे विजुअल्स आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर। किस तरीके से जो छठ के दौरे हैं वो लगातार घाट की ओर जा रहे हैं लोग जो हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं घाट की ओर। तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं लाइव हिंदुस्तान के कैमरे पर। अब कुछ ही देर में कुछ ही समय बाकी है जबकि वर्ग अर्घ पढ़ने वाला। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की जो आप गंगा घाट की ओर जा रहे हैं। हाँ, क्या आपको लग रहा है कैसा महसूस हो रहा है इस महापर्व में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय सभी लोग कर रहा है। बहरहाल जहाँ देखिए वही लोगों का जत्था गंगा घाट की ओर जाता नजर आ रहा है। अपूर्व वर्मा लाइव हिंदुस्तान पटना।